इस्लामिक सेंटर में 6 जनवरी को जो चुनाव है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने? मेरा नाम डॉक्टर जसीम मोहम्मद है, मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा बैलेट नंबर है 10। मैं जितने भी हमारे मेम्बरान हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर उनके पास मैंने अपना एजेंडा, अपने पम्फलेट्स, अपने मैगजीन, कुछ लोगों को बुक्स तरीके से अपना एजेंडा के साथ जो मैं मेरी ख्वाहिश है मैं किसी पैनल, किसी लॉबी, किसी चीज़ में मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक थिंक टैंक बने। जो अभी काम चल रहा है उसमें मजीद हम इजाफा करने के लिए वहाँ पे अलग अलग मेरा एजेंडा है कि एक इस्लामिक इथॉस पे डिस्कशन और डिबेट का एक माहौल वहाँ बनना चाहिए और इसलिए मैं सब जितने भी मैक्सिमम जितने भी हम दिल्ली के हमारे जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में नहीं मिल रही उन फैसिलिटीज़ को लाने के लिए मैं अपने एजेंडे के साथ अलग अलग ताज इनक्लेव, अबुल फजल, जाकिर नगर, मैक्सिमम मेंबर से डोर टू डोर घरों पे जाके मैं मिल रहा हूँ। यकीनी तौर पे मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ इस वजह से मैं कोई ग्रुप के साथ कोई डिनर लंच नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को, मैंने 34 किताब लिखी है जिसमें 14 किताब मैं सर सैद अहमद ख़ान पे है मेरी बुक्स और मैंने ट्रांसलेट किया है उनकी किताबों को और मेरा काम चल रहा है। अभी हाल ही में मैंने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन 341 पे मेरी नई किताब आई है और इंशाल्लाह जल्द ही रिलीज़ भी होगी वो। तो मैं अपील भी कर रहा हूँ जितने भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आपके नेशनल चैनल के माध्यम से कि मुझे वोट दें। मेरा नंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर जसीम मोहम्मद है और मेरा नंबर है 10। बहुत बहुत शुक्रिया।